जन सत्र के फिनाले से पहले एविक्शन से पहले वीकेंड के वार पर सलमान ने लगाई ईशा के फादर की क्लास। ईशा है बदतमीज़, सलमान ने सबके सामने कही ये बड़ी बात। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। बिग बॉस के घर में सलमान खान इकलौते ऐसे होस्ट नहीं है, जनता भी है जो अभिषेक को लाजवाब तरीके से सपोर्ट कर रही है। अभिषेक का स्ट्रगल देखा है सलमान, वो इंसान थे जब हमेशा से ही अभिषेक को सभी कंटेस्टेंट मना कर रहे थे री एंट्री के लिए, तब भी अभिषेक को सलमान ने एक बहुत ही अच्छे होस्ट होने के नाते समझाया और हर बार सही का साथ दिया। लेकिन अब फैमिली वीक में बुला चुके हैं सलमान खान फैमिली मेंबर्स को और फैमिली मेंबर्स की क्लास लगाते नज़र आए हैं। सबसे पहले सलमान ने ईशा के फादर की क्लास लगा दी और ईशा के फादर को दो टूक जवाब दिया है कि आपने क्या अपनी बेटी को क्या शिक्षा दिया है, क्या संस्कार दिया है। वो इतनी बदतमीज़ हैं कि पहले तो वो छोटी बनने का नाटक करती हैं लेकिन वो सबसे बदतमीज़ी कर रही है। इवन हमने पूरा सीज़न देखा है वो अंकिता से बदतमीज़ी। अभिषेक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभिषेक के तो वो पर्सनल भड़ास निकालती है। आपकी लड़की को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है, ग्रो अप होने की उसको ज़रूरत है। ईशा ने ये सारी बातें सुनी और ईशा के आँखों से आंसू आ गए। अभिषेक भी यहाँ पर इमोशनल हो गए। इवन ईशा के फादर ने कहा कि सर हम उसको बहुत बार समझाते हैं लेकिन वो क्या करे, वो ऐसी ही है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। लेकिन सलमान खान ने कहा कि ये रियलिटी शो है, ये डेली सोप नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि ईशा ने किस तरीके से कैरेक्टर को अपने दिखाया है, ये किस तरीके से बाहर पोर्ट्रे हो रहा है, आपको खुद शर्म आ जाएगी। ईशा की सच्चाई आप जानोगे तो यहाँ पर ईशा के फादर सलमान से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। जाहिर सी बात है ईशा ने जो भी पूरे शो में किया है ईशा के फादर को अब गिल्टी महसूस हो रहा है। इवन ईशा के फादर ने बहुत सारे आरोप अभिषेक पर लगाए थे जो कि सारे ही बेबुनियाद निकले। इवन अभिषेक की मम्मी ने तो ईशा के सामने ये बातें कह दी थी कि कब मारा है थप्पड़ ये बता दो, कब तोड़ा है टीवी ये बता दो। ईशा के पास कोई जवाब नहीं था। सलमान खान ने कहा कि आपकी बेटी ने जितना झूठ बोला है ना पूरे शो में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं होगा जिसने इतना ज़्यादा झूठ बोला है। पहले तो वो आई और अभिषेक के साथ आई, अभिषेक के साथ रिश्ते बना रही थी और समर्थ आया तो डायरेक्ट वो ब्रेकअप कर लेती हैं। उसके बाद वो लगातार अभिषेक को पोक करती है। सलमान खान ने कहा कि ये किस तरीके का कैरेक्टर है, आप बाप हो, आपको समझना चाहिए कि आपकी बेटी क्या कर रही है और उसे समझाने की ज़रूरत है। अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से और इस शो के बाद एटलीस्ट उसको अच्छे संस्कार दो, उससे बड़े छोटे की तमीज़ को सिखाओ। सबसे बड़ी ज़रूरत है उसको तमीज़ सिखाना क्योंकि उसको तमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आता है, वो किसी को कुछ समझती नहीं है, अपने घमंड में चूर हो चुकी है। ईशा ये बिल्कुल गलत है, ये आपका नेचर आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। सलमान खान ने वीकेंड के वार पर ईशा मालविया को ब्रूटली एक्सपोज कर दिया है उन्हीं के पेरेंट्स के सामने। आप बताना कमेंट बॉक्स में सलमान के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।